हमसे सर्वे किया आपने, है ही नहीं बाबा जी का ठुल्लू। सारे भ्रष्टाचारी तो भाजपा में है। देखिए गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है, खेत में पड़ता है खाद का काम करता है और दिमाग में पड़ता है अंधभक्त पैदा करता है। आपने बनिया का दुकान नहीं खोल रखे हैं, मोदी जी पूरा देश बेच रहे हैं। आप बताइए ना, मोदी जी ने कहा था मेरे खून में व्यापार है और मोदी जी ने पूरे देश का व्यापार कर दिया। मोदी जी ने, आप एक बात बताइए, कभी आपको याद होगा एसीसी सीमेंट अंबुजा सीमेंट पर छापा पड़ता है, वो कौन खरीदता है? अडानी खरीदता है। कभी आपने देखा होगा जो बंदरगाहों की देखरेख करने वाली, जो एयरपोर्टों की देखरेख करने वाली कंपनियां हैं, जिस पर छापा पड़ता है वो कौन खरीदता है? अडानी खरीदता है। मतलब साफ है कि वो सिर्फ और सिर्फ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल लोगों को डराने धमकाने के लिए करते हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी में आते ही मोदी वाशिंग पाउडर दूध सी सफेदी सारे अपराधी क्लीन हो जाए। मोदी जी 47 की तैयारी कर रहे हैं और आप पिंका, क्या साल उम्र है मोदी जी का? मोदी जी का उम्र क्या? भाजपा तैयार, अमर फल खा के आए हैं, जिंदगी भर यही रहेंगे। देखिए अब की बार देश से भाजपा को देश की आवाम ऐसा उखाड़ फेंकेगी, अभी तो 63 साल सत्ता से दूर रहे हैं इन देशद्रोहियों को। अगर देश के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस की बात मानी होती, भगत सिंह की बात मानी होती, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल की बात मानी होती, तो आज देश का इतना बुरा हाल नहीं। तो जेपी नड्डा ने कहा तो पहले देश रेंग रहा था 14 साल, अब दौड़ रहा है। 2014 के बाद जेपी नड्डा जी का जन्म हुआ है कि 2014 से पहले? मोदी जी का जन्म 2014 से पहले हुआ है। आप अंधभक्तों में पूरी, देखिए गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है, खेत में पड़ता है खाद का काम करता है और दिमाग में पड़ता है तो अंधभक्त पैदा करता है। आप एक बात बताइए, 2014 से पहले क्या ये पेड़ पौधे नहीं थे? इसमें पत्ते नहीं आ रहे थे? सूर्य के किस तरीके से कह रहे हैं विकास हो रहा है। उसने क्या कहा? मेरे पापा ने पलती दिन एक स्कूल बनाई, मेरे पापा ने अस्पताल बनाए। तो साल में 365 दिन होते हैं। आप बता दो, एक सांसद को 5 गांव आदर्श बनाना था। खुद मोदी जी ये बता दे कि 45 गांव आदर्श कौन सा है? देखिए मौका है देश बचाने का, और ये मौका पूरे देशभक्तों को एक होकर इकट्ठा होकर हमारे सारे भ्रष्टाचारी तो भाजपा में है। आप गिन लो ईडी ने जितने कार्रवाई की, एक बार भी किसी को सजा मिली हो? किसी, सबके सब बीजेपी में आ गए, सभी पार्टी के नेता, इनके पास नेता है ही नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी कहता है, इनको प्रदेश अध्यक्ष दूसरी पार्टी का बनाना पड़ता है, इनको नेता प्रतिपक्ष दूसरी पार्टी से लाकर बनाना पड़ता है, इनको मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी नेता है मोदी जी, और बात कर रहे हैं। किसने कह दिया? सर्वे आ रहे सी वोटर, कौन सी सर्वे? सी वोटर का हमसे सर्वे किया आपने? आप अपने घर में बैठ कर मदारी के नाच नाचते हैं और अपने आप रिजल्ट दे देते हैं, उस सर्वे की बात कहते हैं? देश के कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं करा भाजपा को, आप उस चीज को सार्वजनिक कीजिए। आपको दिल्ली का बाढ़ दिखता है? दिल्ली में बाढ़ क्यों आई इस बात को नहीं दिखता है? बगल में आपके फिल्म सिटी में जहाँ सारे न्यूज चैनलों के ऑफिस है, नोएडा की क्या स्थिति है? मथुरा की क्या स्थिति है? आप बताओ आगरा की क्या स्थिति है? आप वहाँ नहीं जाते? आप क्या करते, गंदे नाला में घुस जाते? देखो बाढ़ आया, देखो बाढ़ आया, अरे भैया तूफान आया कहाँ? छतरी स्टूडियो में लेके नाचते हैं, तो आप नागिन डांस नाचना बंद कीजिए। मतलब दिल्ली का हाल आपको नहीं पता? एक बात बताओ, दिल्ली की हालात जब प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं अध्यादेश लाने की बात कहते हैं, प्रधानमंत्री जी राज्यपाल से क्यों नहीं बात करते? प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि आखिर दिल्ली किसके भरोसे है? आप दिल्ली में विकास क्यों नहीं होने देना चाहते? एक चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देना भाजपा की संकीर्ण मानसिकता, विकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। और भाजपा के लोग दिल्ली की जनता को, जिस दिल्ली ने 7-7 सांसद चुने, एकदम भी प्रधानमंत्री या कोई भी सांसद दिल्ली की जनता से हाल नहीं पूछने आता, कोरोना से ज्यादा खतरनाक है पॉल्यूशन, दिल्ली में डीटीसी की बसें नहीं है, मेट्रो के किराया बढ़ा दिए गए। प्रधानमंत्री की चिंता अगर होती तो दिल्ली के लिए डीटीसी बसों की खरीद करवा। धन्यवाद, धन्यवाद।